2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाने के लिए मध्य प्रदेश विंध्य के रीवा जिले में आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनके कई कार्यक्रमों में बाण सागर परियोजनाओं से जुड़े हुए जल जीवन मिशन के अरबों खरबों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि विंध्य क्षेत्र में बाण सागर बांध जैसी व्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ के किसानों और आम नागरिक बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गर्मी का मौसम आ चुका है और ऐसे में अब जल वास्तव में जीवन बन चुका है। जल के बिना पेड़ पौधे पशु पक्षी से लेकर इंसान सभी त्राही त्राही कर रहे हैं। नलकूपों का जल स्तर नीचे खिसक गया है और कुएं तालाब तो काफी समय पहले ही सूख गए हैं। नहरों का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और जहां भी नहर है वहां पानी की उपलब्धता नहीं है। ऐसे में जल जीवन का संकट बरकरार है। इस बीच 20 अप्रैल 2023 को सिरमौर तहसील रीवा जिले के लालगांव सिसवा क्षेत्र के आसपास के दर्जनों ग्राम के किसान और आम नागरिकों ने सूखी नहर के बीच एकत्रित होकर एक बार पुनः सरकार को चेताने के लिए प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार की उसके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। जल संसाधन विभाग के कमीशन खोर आला अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर दशक पुरानी नहर परिजनों का बंदर बाट कर चुके हैं। लगभग 855 करोड़ रुपए की नई गड़ी माइक्रो एरिगेशन का काम जो वर्ष 2017 से 18 में पूरा हो जाना था, वो आज 5 वर्ष बाद भी वर्ष 2023 में भी अपनी शुरुआती दौर पर है। इसी प्रकार द्योथर बहाव परिजनों के भी हाल बेहाल है। क्योटी नहर कैनाल की सच्चाई भी किसी से छुपी नहीं है। बहुती और क्योटी जैसे नामों से संचालित नहर परिजनों में उन गांवों में ही सही ढंग से पानी नहीं पहुंचा है जिसके नाम से ये परिजनों संचालित होने के दावे किए जा रहे हैं। इस विषय में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि उनके द्वारा दिनांक 4 अप्रैल 2023 को रीवा संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, संभाग आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, कलेक्टर जिला रीवा, पुलिस अधीक्षक और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनगवा सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र की समस्याओं और विषय कर जल जीवन से जुड़े हुए संकट के विषय में अवगत कराया गया था। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या, भूमिगत जल की समस्या, सतही जल की समस्या, जल क्षेत्र जैसे सरकारी तालाबों में अत्यधिक अतिक्रमण, नल जल योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन न हो पाना, जल जीवन मिशन के नाम पर व्यापक स्तर के भ्रष्टाचार जिसमें योजनाएं मात्र कागजों पर ही संचालित हो रही हैं एवं बाण सागर से संबंधित नहर परिजनों को लेकर समस्याओं से अवगत कराया गया था। बताया गया विभिन्न प्रकार की नहरों परिजनाओं की कार्य आरम्भ है पर अत्यंत अल्प प्रगति पर है। साथ ही जनता के टैक्स के पैसे की निरंतर बर्बादी की जा रही है एवं माफिया किस्म के संगठित अपराधी किस्म के लोग इस राशि का भक्षण शासकीय पदों पर बैठे हुए कुछ संरक्षण दाताओं के साथ मिलकर निरंतर कर रहे हैं, जिसकी जानकारी आम जनता और किसानों के पास तक भी नहीं पहुंच पाती है क्योंकि पारदर्शिता और जवाबदेही का पूरे सिस्टम में अभाव बना हुआ है। इस स्थिति में अब आम जनता के पास सड़क पर उतरने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी जिम्मेदार और जवाबदेह विभाग प्रमुखों को सूचित कर ज्ञापन सौंपते हुए उल्लेख किया था कि 7 दिवस के बाद शांतिपूर्ण ढंग से क्षेत्र के हर गांव में जल जीवन जागरण यात्रा प्रारंभ की जाएगी जिसमें शासन की परियोजनाओं में हुए भ्रष्टाचार और बंदर बाट को उजागर करते हुए किसान ग्रामीण अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो किसान आगे भी इस प्रकार आंदोलन जारी रखेंगे। इस बीच लालगांव, सिसवा, टेहरा आदि ग्रामीण क्षेत्र से उपस्थित ग्रामीण वासियों और किसानों ने कई स्लोगन के माध्यम से अपनी बातें शासन प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास किया। मोदी राज तुम्हारी है, नहर की मांग हमारी है, मामा अब तो सुनो पुकार, पानी का है हाहाकार, जैसे नारों से आम जनता ने सरकार को जगाने का प्रयास किया। देखिए आज हम लोग इस नहर में जो ये सिसवा टेहरा लालगांव की तरफ से होकर के गुजरती है दूसरी बार प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। इसके पहले लगभग एक माह पूर्व हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। समस्या यहाँ पर यह है कि माइक्रो इरीगेशन नई गढ़ी परियोजना हो, चाहे 855 करोड़ की, चाहे त्योंथर बहाव परियोजना हो, बाण सागर से संबंधित, केवटी कैनाल से संबंधित, सारी परियोजनाएं मात्र कागजों पर संचालित हो रही हैं विंध्य क्षेत्र में आपके इस रीवा संभाग में। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।
पशु पक्षी मवेशी व्यक्ति हर पेड़ पौधे सभी, आप पेड़ों को देखेंगे आपको ताजुब होगा कि बड़े बड़े दरगज पेड़ के आम के सूख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जल स्तर यहाँ पर नीचे चला गया है। हमेशा से ही बिंद क्षेत्र में पानी की व्यापक समस्या रही है। बाण सागर जैसा यहाँ पर व्यवस्था है, हमारे पास इतना बड़ा डैम है, लेकिन उसका कोई भी समुचित उपयोग आज तक नहीं हो पाया है। ये सभी परियोजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। ये नहर आज जो कि एक दशक पूर्व बन के कम्प्लीट हो जानी थी, आज तक ये कम्प्लीट नहीं हो पाई है। इसका कारण क्या है कि जो भी राज थी, जो भी इसमें टेंडर हुआ था, सबने मिल बांट कर खा लिया, फुर्सत हो गए। चूंकि यहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, गांव के बेचारे किसान अपनी बात नहीं रख पाते, इसलिए यहाँ का भरपूर शोषण हो रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को आने वाले हैं, अगले सोमवार को यहाँ पर उनका बड़ा बृहद प्रोग्राम है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को लेकर के। तो हमारा सिर्फ उनसे यह कहना है कि जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, बिजली सड़क और ग्राम अंचल की जो भी स्वास्थ्य सेवाएँ इस तरह से, और विशेष तौर पर पानी, तो यहाँ कोई औचित्य नहीं है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने का। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता है नहर और पानी की आप व्यवस्था करिए। जल जीवन मिशन जिसका आप यहाँ पर उद्घाटन करने आ रहे हैं, शिलान्यास करने आ रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। जल जीवन मिशन आपका यहाँ पूरी तरह से फ्लॉप स्टोरी है। तो इन सब ग्रामवासियों की तरफ से हमारा सिर्फ अनुरोध है यहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और इनको ध्यान दिया जाए और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनको उनके ऊपर कार्यवाही भी की जाए। तिवारी है, मैं ग्राम पंचायत लालगा कुनवासी हूँ। हम लोग ये सूखी नहर में जो है तो घूम रहे हैं पानी के लिए। लालगांव की जनता जो है तो दो दो किलोमीटर, चार चार किलोमीटर परेशान रहती है। जानवर मवेशी सब बिल्कुल प्यासे मर रहे हैं। तो जो पंचायती राज में हमारे यहाँ रीवा में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हमारी आवाज़ जो है तो उन तक जो है तो पहुँचनी चाहिए और शिवराज जी से तक पहुँचनी चाहिए। यही हम लोग जो है तो आंदोलन कर रहे हैं और आगे चल के और आंदोलन करेंगे जो ये नहर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा। जाति के तो हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या, तो इसी पे सबसे अनुरोध करता पानी। मैं सुदर्शन नामदेव लाल गांव का निवासी हूँ। हमारे यहाँ जल का संकट बहुत भारी है, इन हर सूखी पड़ी 15 साल से। यही निवेदन मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान जी से सबसे। कमलेश्वर त्रिपाठी ग्राम टहरा के निवासी हूँ। पानी की समस्या जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं दुफरी चक्कर, तो पानी की बहुत परिस्थिति जो लोग कह रहे हैं वो सब एक नंबर की बात कह रहे हैं। यही विनती हमारी भी है। रामलाल गांव सिसवा के निवासी हूं और ये नहर राम बदन केवट लाल गांव सिसवा के निवासी हूं और ये नहर बहुत दिन से अधूरी पड़ी हुई है। पानी यहां पीने तक के नहीं मिल रहा है। नहर की क्या बात करें तो कम से कम ये चालू हो जाए तो पीने का और सिंचाई के लिए भी मदद मिल जाए। हमारा नाम रमेश प्रसाद शर्मा है, हम लाल गांव क्षेत्र के निवासी हैं और हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव में पानी का बहुत बड़ा संकट है। यहाँ पथरीली ज़मीन है जो यह नहर पड़ी हुई है, यह अधूरी पड़ी हुई है। इस नहर को चालू किया जाए ताकि किसानों को पानी कृषि के लिए पीने के लिए पर्याप्त मिल सके। यही हमारा अनुरोध है नेताओं से और बड़े अधिकारियों से कि जल्द से जल्द इस नहर को बनवाया जाए।